हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गगन स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में हम क्या बना रहे हैं? एलिफेंट बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? आपने एक फोटो नहीं लगाया था सबसे पहले? अरे वाह चिंटू, आपको तो सब कुछ पता है। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मिट्टी को हम बना लेंगे अच्छे से, जैसे कि आटा गूंथते हैं वैसे ही। एंड फिर उसके पैर वगैरह, हाथ वगैरह बना लेंगे जैसा कि आपने देखा ही होगा। एंड किसी भी स्पैचुला की हेल्प ले सकते हैं आप, या फिर जो क्ले आर्ट करने वाले टूल्स होते हैं वो भी ले सकते हैं आप। तो उनसे हम धारियां बनाएंगे, ऐसा लगे कि ये शरीर उसका, ऐसे जो मांस है ना वो दिखना चाहिए, कि लगे कि हाँ ये रियल इफ़ेक्ट आना चाहिए उसमें। एंड नेल्स बना देंगे नीचे, हैंड्स और लेग्स दोनों के बनाएंगे। उस पैर पर भी धारियां सी बना देंगे। एंड पहले आप एक चीज़ बनाएं, फिर 5-10 मिनट सूखने दें, फिर सेकंड जो चीज़ बनाएंगे, मुंह हाथ या कुछ भी, तो फिर वो बाद में बनाइए आप। मैंने मिट्टी में रुई डाली है ताकि क्रैक ना आए, तो आप भी मिट्टी में रुई डाल सकते हो। अगर आपको मिट्टी बनानी सीखनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगा। तुम्हें आती है वैसे चिंटू मिट्टी बनानी? हाँ हाँ मुझे तो आती है, आप ही ने तो सिखाया था, आप भूल गए? नहीं, मुझे लगा आप भूल सकते हो इसीलिए पूछ रहा था। चलो, चिंटू को तो आती है मिट्टी बनानी, अगर आपको ना आती हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको भी सिखा दूंगा। तो ये जो नेल्स हैं वो बन चुके हैं लगभग, फिर इसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। एंड उसके लिए हम मिट्टी लगा लेंगे ऊपर, और मिट्टी लगाने के बाद एक वायर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एंड आगे से हम कुछ ऐसा बनाएंगे, उसके लिप्स बनाएंगे, आगे से थोड़ा सा उभराव देंगे उसके लिप्स के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। वैसे गगन, ये जो आपने वायर डाली है इससे क्रैक नहीं आएगा मिट्टी में? नहीं आएगा, क्योंकि रुई डाल रखी है ना मिट्टी में, इसलिए। अगर आएगा भी तो थोड़ा सा आएगा, तो आप उसे भर सकते हो दोबारा से। अच्छा ठीक है फिर तो। तो ऊपर जो वायर है उसको भी हम कवर करेंगे मिट्टी से, बिकॉज वो उसकी सूंड बनेगी एलिफेंट की। तो आप आइस बना दें, थोड़ा सा होल कर दें जिससे कि आई इफेक्ट आ जाए उसमें। एंड अब हम कान बनाएंगे इसके। आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे काम करना है, ज़्यादा आपको जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज जल्दी करने से काम नहीं बनता, क्योंकि ये बारीकी का काम होता है तो इसमें जल्दी नहीं चलती। तो हम दोनों कान ही बना लेंगे सेम वे से। एंड फिर हम इसके वो भी बना देंगे धारियां सी कान पर, जैसे कि मैं कर रहा हूँ डिटेलिंग, वैसे आप भी कर सकते हैं। एंड फिर ब्रश की हेल्प से हम इसको स्मूथ कर देंगे, तो आप भी ब्रश का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा क्ले वर्क में ब्रश का यूज़ होता है, काफ़ी इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है इससे, ब्रश की हेल्प से, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। एंड तो ये बन चुका है, मैंने दांत भी बना दिए थे, तो ये सूख भी चुका है, अब देख सकते हो आप। अब हम कलर करेंगे, बेस पेंट मैंने कर दिया है इस पर, एंड ऑरेंज कलर की, आप कोई भी मनपसंद का कलर ले सकते हो।
ईयर पर मैंने एक बार वाइट कलर किया है बिकॉज इसके ऊपर हम एक ब्राउन कलर करेंगे थोड़ा सा, तो उससे अच्छा इफेक्ट आएगा, आप देख ही लेना आगे। नेल्स पर भी हम ये कर रहे हैं वाइट कलर एंड अरे वाह, कलर स्टार्ट हो गया। कलर तो मेरा फेवरेट काम है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गगन आपने, मैंने भी तो देखना था शुरू से। कोई बात नहीं, अब देख लो। तो अब वाइट कलर के ऊपर मैंने ब्राउन कलर किया है, इससे थोड़ा शाइनी लुक आ जाएगा। और थोड़ा रफ रफ कीजिएगा, उससे अच्छा लुक आता है इस पर, जो भी स्टैचू है ना उस पर अच्छा लुक आता है। आपने पिछला स्टैचू नहीं देखा जो पीछे पड़ा हुआ है, तो आप वो भी देखना चाहते हो तो वो मेरा लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी बना सकते हो। वो मैंने वॉल पुट्टी से बनाया था। तो अब हम इसकी पूंछ पर ये ब्लू कलर कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे हाथ में ही है, कौन सा मर्जी कलर कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे आप। तो चिंटू आपको कैसा लगा ये? बहुत ही अच्छा, मैं भी ट्राई करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।